हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाहिद सैयद। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस करके आपको सेलेक्ट करना है ऑल, ताकि मेरी सारी रेसिपीज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए किचन में चलते हैं और आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइन सैयद, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे सुपर फ्लफी एंड स्पॉन्जी वनीला कपकेक्स, बहुत ही इजी, बिना किसी मोल्ड या बिना ओवन के। मैंने अंडे का इस्तेमाल किया है, आप अंडे को स्किप करके 2 चम्मच खट्टा दही ऐड कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। बहुत ही लाइट, फ्लफी और टी टाइम केक है, बिल्कुल 15 मिनट के अंदर बनकर ये तैयार हो जाता है। 1 कप मैदा लिया है, 1 चम्मच भरकर बेकिंग पाउडर लिया है, आप बेकिंग पाउडर स्किप करके 1/2 चम्मच सोडा ऐड कर सकते हैं। 1 चुटकी नमक लिया है, 1 अंडे का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप 2 चम्मच खट्टा दही ऐड कर सकते हैं। 1/3 कप मैंने ऑयल लिया है, आप नॉर्मल टेम्परेचर का बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और 1/2 कप दूध हम लेंगे कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए, 1/2 चम्मच वनीला एसेंस और 1/2 कप चीनी, जिसको मिक्सर में मैंने ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लिया है। तो बहुत ही ईजी रेसिपी है, चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे ही आपको सब्सक्रिप्शन का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी रेसिपी मैं अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए बनाते हैं सुपर फ्लफी एंड स्पॉन्जी वनीला कपकेक्स। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर हमारा होममेड ओवन तैयार कर लेना है। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई को हमने प्रीहीट कर लेना है। तो गैस का फ्लेम हम लो मीडियम कर लेते हैं, इसको कवर कर लेते हैं और कवर करके इसको 15 मिनट के लिए हम गरम कर लेते हैं लो मीडियम फ्लेम पर। अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो 180 डिग्रीज पर प्रीहीट कर लें उसको 10 मिनट, उसके बाद आपने उसके अंदर बैटर रखना है। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, इसके अंदर मैं 1 कप मैदा ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आपके पास नहीं है तो बेकिंग सोडा ऐड कर ले 1/2 चम्मच, और ये है 1 चुटकी नमक, इसको मिक्स कर ले। इसको अब हम साइड में रख देते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, इसके अंदर मैं 1/3 कप ऑयल ऐड कर रही हूँ। 1/3 कप 1/2 कप से कम होता है, आप बटर को रूम टेम्परेचर पर रख ले बाहर और वो आप ऐड कर सकते हैं 1/3 कप। पिसी हुई चीनी मैं ऐड कर रही हूँ, पिसी हुई चीनी मैंने लिया था 3/4 कप, 1/2 कप चीनी को मिक्सर में ग्राइंड कर लिया। अगर आप मेजर करेंगे तो ये 3/4 कप है। इसको 1 मिनट के लिए बीट कर लेते हैं, जब तक ये लाइट नहीं हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको 2 मिनट के लिए बीट कर लिया है एक ही डायरेक्शन में, आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा लाइट हो गया है कलर में और शुगर इसके अंदर अच्छे से डिजॉल्व हो गया है। अब हमने इसके अंदर 1 अंडा ऐड कर लेना है, आप नहीं ऐड करना चाहते तो 2 चम्मच खट्टा दही ऐड कर लें। अंडा रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, अगर अंडा आपने फ्रिज में रखा है तो 1/2 घंटा पहले बाहर निकाल लें। इसको मिक्स कर लेते हैं। वेनीला एसेंस हम ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। ये देखिए अंडा इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। जो पाउडर हमने मिक्स करके रख दिया था, मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक, वो हम ऐड करेंगे 2 बैचेस में। तो मैंने 1/2 ऐड कर दिया है अभी। विस्क हटा लेते हैं, स्पैटुला या फिर कोई स्पून यूज कर ले और इसको पहले मिक्स कर ले इस तरह से। ये देखिए ऐसे फोल्ड कर ले मिक्सचर को। मिक्सचर जब अंदर अच्छे से फोल्ड हो जाए सारा, तो इसके अंदर बाकी बचा हुआ मैदा भी मैंने ऐड कर लिया है, मिक्स कर लेते हैं। कंसिस्टेंसी बहुत थिक है तो थोड़ा थोड़ा मिल्क हमने ऐड करते जाना है। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप मिल्क ऐड कर दिया है और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कट एंड फोल्ड मेथड से मैंने बैटर तैयार कर लिया है। बैटर बिल्कुल रेडी है, स्मूथ है और कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। 1/4 कप और 1 टेबलस्पून मिल्क एक्स्ट्रा मैंने इसमें ऐड किया था। तो इसको अब हम साइड में रख देते हैं और अब हम मोल्स को ग्रीस कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके के सिरामिक टी कप्स लिए हैं, जो बहुत ही आसानी से हर किसी के घर में अवेलेबल होते हैं। तो सारे कप्स को पहले हम अंदर से ग्रीस कर लेते हैं। तो हर तरफ से जब ये अच्छे से लग जाए तो इसमें थोड़ा सा हम मैदा डस्ट कर लेंगे, ताकि केक जो है वो कहीं से भी चिपकने का कोई चांस नहीं रहा इसमें। तो थोड़ा थोड़ा सा मैं यहाँ पर मैदा ऐड कर रही हूँ।
तो बस अब हमने इसको इस तरह से स्प्रेड कर लेना है चारों तरफ से, जहां जहां ग्रीस किया है हमने वहां पर इस तरह से मैदा हो जाए और उसको हम झटक लेंगे। तो फ्रेंड्स कप को मैंने यहाँ पर अच्छे से ग्रीस कर लिया है, अब हमने इसमें बैटर पोर कर लेना है। तो कोई भी स्पून ले लें या इस तरीके का स्कूप ले लें जिससे आपने बैटर को इस तरह से स्कूप कर लेना है और हम इसके अंदर पोर कर लेंगे। ये देखिए ऐसे, एक एक स्कूप बैटर मैंने यहाँ पर पोर किया है, आधा कप से थोड़ा सा ज्यादा ही हमने ऐड किया है। तो इसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं एक प्लेट के अंदर, कोई भी ऐसा प्लेट जिसके अंदर ये आ जाए आराम से, बस उसमें आपने इसको रख देना है इस तरह से। थोड़ा सा प्लेट को टैप कर ले ताकि इसमें अगर कोई एयर बबल्स है तो वो निकल जाए। अब हम इसको ले जाएंगे और रख देंगे कढ़ाई में, जो हमने ऑलरेडी प्रीहीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट कर लिया है, ये देखिए इसके अंदर हम ये रख देते हैं। अब हम लिड कवर कर लेंगे, लिड को कवर करके लो मीडियम फ्लेम पर आपने कुक करना है। 15 से 20 मिनट में कपकेक्स अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कपकेक्स रेडी नहीं हुए हैं तो 5 मिनट के लिए और आप रख लें। तो उसको हम इसी तरह छोड़ देते हैं, थोड़ी देर चेक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए इससे मुझे यहाँ पर छोड़े हुए 20 मिनट ऊपर हो गए हैं, आप देख सकते हैं केक राइज हो गया है। मैंने ये कैप जो है ऊपर की लिड उसकी चेंज कर ली है, पहले मैंने इस तरीके का थाला रख दिया था उसके ऊपर और जब वो फूला तो ऊपर जगह नहीं होने की वजह से आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर से केक जो है वो फ्लैट हो गया है, बट केक जो है ये राइज हो गया है। और अंदर से हम इसको चेक कर लेते हैं, ये देखिए बिल्कुल क्लीन निकल आया है और केक बनकर बिल्कुल रेडी है। तो आपने ये ध्यान रखना है जब भी आप इसके ऊपर कोई लिड लगाएं तो ऐसा लिड लगाएं जो थोड़ा सा हाइट पर हो, अगर वो उसको टच हो रहा है तो इस तरह से केक जो है ये फ्लैट होकर इसमें से बाहर आ जाएगा। तो गैस का फ्लेम मैंने बंद कर लिया है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, पूरी तरह से कूल कर लेंगे उसके बाद ही हमने इसको अनमोल्ड कर लिया। थोड़ा सा हम साइड्स को लूज कर लेते हैं, तो हमने ऑलरेडी अंदर ग्रीसिंग की थी। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट मॉइस्ट और बहुत जबरदस्त केक ये बनकर तैयार हुआ है। ये इस वक्त बहुत ही गर्म है, तो हम इसी तरह निकाल लेते हैं सारे पहले। ये देखिए बहुत ही मॉइस्ट और सुपर फ्लफी है ये केक। तो ये लीजिए फ्रेंड्स तैयार है अमेजिंग वनीला कपकेक्स, वो भी हमने इसको कढ़ाई में बनाया है सेरामिक टी कप्स के साथ, बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही मॉइस्ट और सुपर फ्लफी टी टाइम केक के तौर पर आप इसको बनाकर खा सकते हैं, बच्चे बहुत पसंद करते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक लेके जरूर बताइएगा रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अगर रेसिपीज़ आ रही है पसंद तो कॉमेंट सेक्शन लिख के ज़रूर बताएँ, वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक गुड केयर, बाय।